आज हम बनाएंगे छोटे बैंगन की सब्जी की रेसिपी, जिसके लिए हमने बैंगन को धोकर साफ कर लिया है, फिर ऐसे कट कर लिया है दोनों तरफ से। इसके बाद कढ़ाई में तेल गरम होने के लिए देंगे और तेल गरम हो जाने पर बैंगन सबको डाल देंगे फ्राई होने के लिए। बैंगन को फ्राई करने के लिए थोड़ा सा नमक और थोड़ा सा हल्दी पाउडर भी डाल देंगे और अच्छी तरह फ्राई करेंगे। और एक बात, बैंगन का हमने डंठल नहीं निकाला था, डंठल को ऐसे ही रहने देंगे। बैंगन को चारों तरफ से अच्छी तरह फ्राई करेंगे। बैंगन अच्छी तरह फ्राई हो गए हैं और 70-80% पक भी गए हैं। अब इसको निकाल कर रख देंगे। फ्राई किए हुए बैंगन को हमने निकाल कर रख दिया। अब आगे का प्रोसेस करते हैं। उसी कढ़ाई में थोड़ा सा और तेल गरम होने के लिए देते हैं। तेल गरम हो जाने पर उसमें डालते हैं थोड़ा सा जीरा, दो इलायची, छोटी इलायची, दो सूखे मिर्च, दो छोटे टुकड़ों में कटा हुआ प्याज, एक छोटा चम्मच लहसुन अदरक का पेस्ट, कुछ कटी हुई हरी मिर्चें। मिर्च आप अपने हिसाब से लीजिएगा, जैसा आप तीखा खाना चाहते हो। फिर इन सारी चीज़ों को अच्छी तरह फ्राई करेंगे। कुछ देर फ्राई करने के बाद इसमें डालेंगे दो कटे हुए टमाटर। और अच्छे से फ्राई करेंगे। टमाटर को भी कुछ देर फ्राई करने के बाद इसमें अब डालेंगे सूखे मसाले। एक छोटा चम्मच हल्दी पाउडर, दो छोटा चम्मच जीरा पाउडर, दो छोटा चम्मच धनिया पाउडर और कलर के लिए एक छोटा चम्मच कश्मीरी रेड चिली पाउडर। मसाले हमारे जल ना जाए इसके लिए थोड़ा सा पानी डाल देंगे। पानी डालने से टमाटर भी इसमें हमारे पक जाएंगे मसालों के साथ। मसालों से तेल आने लगा है, इसका मतलब मसाले हमारे अच्छी तरह फ्राई हो गए हैं। अब इसमें दो छोटा चम्मच मूंगफली का पाउडर डालेंगे और कुछ सेकंड हाई फ्लेम पर फ्राई करेंगे। मूंगफली का पाउडर बनाने के लिए हमने गरम तवा पर मूंगफली को फ्राई कर लिया था और मिक्सर ग्राइंडर में डालकर इसका पाउडर बना लिया था।
मूंगफली को भी कुछ सेकंड फ्राई कर लेने के बाद अब इसमें पानी डाल देंगे। और स्वाद अनुसार नमक डाल देंगे। नमक हिसाब से डालिएगा क्योंकि बैगन फ्राई करते वक्त भी हमने नमक डाला था, इसलिए हिसाब से नमक डालिएगा। नमक डालने के बाद जो बैगन हमने फ्राई करके रखा था उसे अब डाल देंगे। अब ढककर पकने के लिए छोड़ देंगे कुछ देर। सब्जी को बीच बीच में चलाते हुए पकाएंगे। और बैगन को पलट देंगे जिससे सारे बैगन में मसाले घुस जाएं। ध्यान से पलटिएगा जिससे ना टूटे। बैगन की सब्जी बनकर रेडी हो गई है। बैगन पक गए हैं अच्छी तरह। अब लास्ट में इसमें गरम मसाला पाउडर डाल देंगे छोटा एक चम्मच। अब इसे उतार लेंगे। सब्जी बनकर रेडी हो गई है। आप भी इसी तरीके से सब्जी को बना सकते हैं। अगर आपको मेरी वीडियो थोड़ी सी भी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें।